महाकाल मंदिर के अंतिम शनिवार के दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर साल की भांति इस बार भी मंदिर परिसर को अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जिससे मंदिर की शोभा को 4 चांद लग गए हैं। महाकाल के रहने वाले प्रसिद्ध व्यवसायी बलराज के द्वारा इसका प्रबंध किया गया। मंदिर की सजावट के लिए दिल्ली और कोलकाता से कारीगर बुलाए गए। आज रात को शनिदेव जी का तेल के साथ अभिषेक किया जाएगा और 108 दीपों के द्वारा दीप माला की जाएगी। इसके साथ ही मास में लगने वाले शनिवार को मेले का समापन भी किया जाएगा। शनिदेव का लास्ट शनिवार है, देखने को काफी अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा भीड़ भी है, बड़े सारे दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता के मंदिर में आए हुए हैं। लाइन जो काफी लंबी हो चुकी है, ऊपर से मौसम भी अच्छा है, अच्छा कारोबार चल रहा है। मिला रहा है हमारा, अच्छे होंगे प्रबंध ठीक चला हुआ है। इसी के बच्चे आते हैं सेवक, सिंह सेवक जो है वो सेवा कर रहे हैं, तस्सी साफ कर रहे हैं, एडमिशन सारा काम कर रहा है, और किसी को कुछ नहीं, पानी के लिए पानी मिल रहा है, चाय के लिए चाय मिल रही है, और प्रसाद के लिए प्रसाद मिल रहा है, और ब्रेकफास्ट मिल रहा है, साथ साथ में लंच दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं सारे। इसमें प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? प्रशासन ठीक से हो गया, पुलिस साथ है, NCC के बच्चे साथ दे रहे हैं, प्रशासन एस एम साहब आते हैं और तहसीलदार आते हैं, उन्होंने अपना स्टाफ लिया है और साथ है, सारा ठीक चला होता है, तो किसी से काम हो रहा है। आज रात के क्या क्या प्रबंध है, क्या प्रोग्राम? रात को जब मेला खत्म हो जाए उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे, तो शनिवार का जो है शनिवार के लिए शनि सेना को स्नान कराएंगे, भक्तों को स्नान करेंगे, तेल से मालिश करेंगे, शनि की सिर साहब तेल उगाएंगे, सारा प्रशासन सारा।